गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 12, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, पेज नंबर 117। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, सन, मून, स्टार्स, बिल्डिंग, विंडोज, टॉय, क्लोथ्स, बुक, बॉटल, कार्स, मोटर, रेलवे, सॉलिड, डायमंड्स, एयर, वाटर प्लांट, एनिमल एंड मैनी मोर्स. There are all made of a different materials. The stars are made up of a building gas, burning gases. The moon is made of a rocks. Buildings are made up of a bricks and cement. Window panes are made of a glass. Toy are there made of a wood, plastic. Plant and animal are made up of a different type of cells. What are there a material made of? There are a made of material of matter. Let us learn more about the matter in the chapter. देखिए, हमारी सभी चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनी है, लेकिन ये मटेरियल किस चीज़ से बना है? ये मैटर से बना है. इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे. Anything that has matter of mass occupied space is called a matter. It is made up of a tiny particles called atoms and molecules. These particles are so small that we cannot see them with the unimpaired eyes. For example, air is made up of molecules of oxygen, hydrogen and carbon dioxide. Similarly, water is made up of molecules. The molecules of matter joined together two forms, a particle, a particular things. In fact, all living beings and non-living things are also made up of a matter. देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो मैटर से बनी है. मैटर में भी क्या चीज़ें हैं? ऑटम्स है और मॉलिक्यूल्स है. वो इतने छोटे हैं कि हम उसे ऐसे ही आँखों से नहीं देख सकते. जैसे कि हमारी एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है. कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी गैसेस होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर से एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट इज वॉल्यूम. मैटर कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म. देयर फॉर्म इज अ डिफरेंट फॉर्म ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेम स्पेस. देखिए, उन्हीं चीज़ों में जो मैटर रहता है, मैटर के बीच में अगर कोई गैप है, कोई स्पेस है, उसे क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें, हमें हम जो स्पेस वॉल्यूम कहते हैं. स्टेट ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन अ थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन एग्जिस्ट इन अ थ्री डिफरेंट फॉर्म, आइस, वाटर एंड स्टीम. आइस इज द सॉलिड स्टेट, water is a liquid state and steam is a gaseous state. देखिए, state कितने form के होते हैं? तीन form के, solid, liquid and gas. जैसे कि water, water हमारा solid यानी ice में भी रहता है, ice के form में, liquid form में रहता है यानी पानी, और gas के form में यानी भाप के form में. solid, solid have a defined shape and volume. Most solid are hard and cannot be easy compressed. For example, the shape of a pencil stay and the same whenever you put it to a bag and pencil it a table. Actually, the molecules in a solid are tightly packed and are closed on a one another. There is a very little space present in them. देखिए, कई सारे सॉलिड, कई जो सॉलिड होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिन्हें हम इजीली कंप्रेस यानी प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही फॉर्म में रहते हैं. बहुत छोटी सी उसमें जगह होती है और इतने टाइटली वो पैक्ड होते हैं कि हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है. द प्रिवेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मूविंग अराउंड फ्रीली इज सॉलिड. That is why solid have a different shape and different volume.
कई सारे आपने देखे होंगे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो हमने सॉलिड मॉलिक्यूल्स पढ़ा, अब ये हमारा फ्रीली मॉलिक्यूल्स है। फ्रीली मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी शेप में वापस आते हैं, जैसे कि सॉलिड था हम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रीली मॉलिक्यूल्स हैं उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। जैसे कि हमारा रबर बैंड है, बलून है, इसमें हम जैसे रबर बैंड को हम खींचते हैं, उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो खींच जाएगा लेकिन वापस अपने ही शेप में आ जाएगा। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर मे बी चेंज बाय द हीटिंग एंड कूलिंग इट, ऑल सच एज अ चेंज ऑफ अ रिवर्सिबल इट लेस ऑफ परफॉर्म टू एन एक्टिविटी ऑब्जर्व दिस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर्स। देखिए फ्रीजिंग क्या होती है, हम किसी भी चीज़ को फ्रीज करते हैं, यानी अगर हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। मेल्टिंग क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में जो जैसे जो सॉलिड फॉर्म में, यानी आइस क्यूब, आइस क्यूब सॉलिड फॉर्म में रहता है, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, यानी पिघलने लगेगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, द सब्सटेंस दैट इज यूज टू अ स्मॉल क्वालिटी ऑफ मिक्सचर मिक्सड विद द मोर एंड अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट। सो इन दिस केस शुगर कैन बी सॉल्यूट इन द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मोर क्वान्टिटी इन द सॉल्यूशन इज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, शुगर और वाटर का मिक्सचर, अगर हम थोड़ी सी ही क्वान्टिटी में हम शुगर मिलाएंगे पानी में तो वो क्या होगा, सॉल्यूट, और अगर इसी चीज़ को हम ज़्यादा क्वान्टिटी में मिला देंगे तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। देखिए जो सब्सटेंस हमारा पानी में पूरी तरह से मिल जाए उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे, जैसे कि शुगर और सॉल्ट, और जो सब्सटेंस हमारा पानी में नहीं मिलता है उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे, जैसे कि पिबल, हक्स, चौक, ये आपके पानी में मिक्स नहीं होते। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।